हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो गई हूँ अपने यूट्यूब परिवार के साथ में। और ये फ्रेंड्स, जो मैंने पीकॉक की कटिंग जो बना करके रखी, ये जो कटिंग निकली है जेट प्लांट की, ये फ्रेंड्स आज मैं कैसे लगाती हूँ, किस तरह से लगाती हूँ, और फ्रेंड्स देखिएगा कि कितनी छोटी छोटी कटिंग है, मैं किस तरह से यूज करती हूँ। और फ्रेंड्स, एक भी कटिंग को मैं बर्बाद नहीं होने देती हूँ। कोशिश हमारी यही रहती है फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल कटिंग को बर्बाद ना करूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल में, विजिट कर रहे हो, और या फिर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लें। और क्योंकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन फ्रेंड्स पहुंचता रहे, और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिएगा कि मैं छोटी छोटी कटिंग कैसे यूज करती हूं फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि एक दूसरे से जानकारी लेने से ही फ्रेंड्स तभी जानकारी हो पाती है। और मैं तरह तरह की DIY ऐसे लेकर के आती रहती हूँ फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी समझ में आएगा, और अंत तक देखें जरूर। फ्रेंड्स, एक एक कटिंग बीन बीन करके लाई, देखा आप लोगों ने, और इसकी मिट्टी बिल्डर मैंने बनाई है, इसमें चाय की पत्ती वगैरह सब कुछ मिला लेते हैं। और चाय की पत्ती मिला करके लगाने से फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जड़ें इनकी पकड़ लेती हैं और ग्रोथ तैयार होती है।
ये फ्रेंड्स छोटी छोटी कटिंग देखिए, ऐसे होल कर दे रही हूँ अच्छे से धीरज में, और फिर इनको लगा दे रही हूँ और उंगली की मदद से इनको दबा भी दे रही हूँ ऐसे। तो ऐसे दबा दें जड़ों को पक, तो जब जड़ें बहुत जल्दी से पकड़ लेती हैं। फिर फ्रेंड्स हल्का हल्का पानी का सावरिंग कर दिया है इसमें, आप लोगों ने देखा। और फ्रेंड्स में हम लोग क्या है कि वॉइस ओवर देते हैं, क्यों रोड की आवाज़ें बहुत आती। मैं अपनी बात बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं वॉइस ओवर देती हूँ तो कभी कभी अप डाउन भी हो जाता है, इधर उधर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, तो उस पर ध्यान ना दें। और तो देखिए फ्रेंड्स कि किस तरह से मैंने कटिंग को लगा करके तैयार किया, और हमारी ढेरों पीकॉक, टोपियारी, त्रसूल से ये सारे बनकर के तैयार भी हो गए। तो फ्रेंड्स त्रसूल तो नहीं दिख रहा क्योंकि काफ़ी लंबा निकल गया है। तो ऐसे आप लोग भी अपने अपने घरों में गार्डनिंग करें और नेचर को बचा करके रखें। फ्रेंड्स हमारा आपका कर्तव्य है, और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।